स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सिंपल एंड परफेक्ट सिलाई में। आज की वीडियो में मैं आपको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाले मोहरी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये मोहरी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। मैं अपनी ज़्यादातर सलवार में यही मोहरी डिज़ाइन बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपनी बुकरम सलवार में अटैच कर ली है और यहाँ पर दोनों तरफ मैं ये लहरिए का डिज़ाइन दे रही हूँ। ये दोनों डिज़ाइन देने के बाद ये जो बीच में मैंने अपना मोहरी का डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि आप कैसे इसे बनाएं। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही सुंदर ये मोहरी डिज़ाइन लगता है। इस तरह से इन चारों लेयर्स में मैंने लहरिए का डिज़ाइन दे लिया है। ये देखिए, छोटे लहरिए बनाने के बाद सबसे बड़ा लहरिया जो होता है वो मैंने अपनी सलवार में इस तरह से बना लिया है। और अब इसके बाद दोनों साइड में जो ये जगह है इस पर मैं इस तरह से ये अपना डिज़ाइन है वो इस तरह से मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगी कि आप देखें कि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा और जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे तो ये बड़ी आसानी से बन भी जाएगा। दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये आपने मेरी स्क्रीन पर देख ही लिया है कि बनने के बाद कितना सुंदर लगता है। इसी तरह से आप भी अपनी मोरी डिज़ाइन को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जब हम अपनी मोहरी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें जो लहरिया डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है और इस बॉटम में लहरिया डिज़ाइन का काफ़ी प्रयोग मैंने किया है। ये आप देख ही रहे हैं कि लहरिया डिज़ाइन इसमें मैंने कितना ज़्यादा किया है। बहुत ही सुंदर दिखता है ये लहरिया डिज़ाइन के साथ हमारी जो बॉटम होती है। सेम यही पैटर्न हम दोहराते जाएंगे। देखिए, वैसे तो मोहरी डिज़ाइन बहुत ही मुश्किल भी होते हैं जिसमें हमें अपनी मशीन को बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन जो ये डिज़ाइन है उसमें हमें मशीन को बार बार आगे पीछे ज़्यादा नहीं करना है और बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत सुंदर भी लगता है। इसी तरह हम ऊपर की तरफ भी यही पैटर्न बना लेंगे। ये जो लहरिया है हमारा इसके सेम बीच में, सिलाई मशीन हम यहीं से वापस करेंगे। सिलाई मशीन को निकाल के उस साइड से हम नहीं लाएंगे, सिलाई मशीन को हम यहीं से वापस कर लेंगे जिससे हमारा पैटर्न पूरा होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा होगा, इसलिए हम इस तरफ से ही अपनी सिलाई को शुरू करेंगे। आप भी इस डिज़ाइन को अपनी सलवार पे ज़रूर ट्राई करें। जब एक बार आप इस पैटर्न को अपनी सलवार पे बनाएंगे तो बार बार आप इसी को बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है। मोहरी डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन सभी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स ये आइडिया ले सकें और अपनी सलवार पर इस तरह की बॉटम बना सकें। ये देखिए, मेरी बॉटम का डिज़ाइन पूरा हो चुका है। इसी तरह हम अपनी दूसरी बॉटम को भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों बॉटम बन चुकी हैं। आपको ये बॉटम डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।